नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही रिवेंज ड्रामा फिल्म हड्डी में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में उनका फर्स्ट लुक सामने आ गया है। मोशन पोस्टर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक लड़की के अवतार में नजर आ रहे हैं। उन्हें पहचान पाना ही मुश्किल रहा है। एक्टर के लुक के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हड्डी का मोशन पोस्टर शेयर किया गया है। उन्होंने ग्रे कलर का शिमरिंग गाउन पहना है, ग्लोइंग बोल्ड मेकअप है और स्टाइलिश हेयर स्टाइल में नवाजुद्दीन को पहचान पाना मुश्किल है। उनके हाथ खून से सने हैं। उनके पास एक पैना हथियार है जिस पर खून लगा हुआ है। मोशन पोस्टर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस ग्रेस और अदा के साथ कुर्सी पर बैठे हैं, उसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने इस किरदार में ढलने के लिए या इसमें जान डालने के लिए खुद पर कितना काम किया है। अपने इस खास किरदार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने कई डिफरेंट और इंटरेस्टिंग किरदार निभाए लेकिन हड्डी सबसे यूनिक और स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपने कभी मुझे इस अवतार में नहीं देखा होगा। ये मुझे एक एक्टर के तौर पर आगे बढ़ने के लिए पुश करेगा। मेकर्स ने हड्डी फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। हड्डी की अभी शूटिंग चल रही है। फिल्म अगले साल 2023 में रिलीज होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हड्डी को अक्षत अजय शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार क्या होगा, इस बारे में तो फिलहाल अभी कुछ रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उनका लुक ही इतना दमदार है कि फैंस अब बेकरारी से फिल्म का इंतजार करने लगे हैं। नवाजुद्दीन के इस लुक पर फैंस फिदा हैं और एक्टर के लुक को एपिक बता रहे हैं। आपको ये किरदार कैसा लगा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए आज तक।